आज अभी ये मुसलमान जोइश ईसाइयों की मौत आती है ना, तो ये हिंदुओं के मंदिरों की तरफ भागते हैं। नहीं, हकीकत है दंगे और क्यों भड़क रहे हो भैया? ये भारत है, भारत सनातन धर्मी देश है ये। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अब फिर वहां जाते हो, फिर वो मार मूर देते हैं, फिर उसके बाद आप मीडिया में रोते हो, इतने मार दिए, इतने काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दंगे आप भड़काते हो ना। मुसलमान मस्जिद की तरफ जाना भूल के मंदिर की तरफ क्यों जा रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से फेमस है, ना कि किसी मस्जिद के नाम से। एक बात तो ये सुन लो, ज्ञान व्यापी जो है, जैसा नाम से ही पता लगता है कि ये सनातन धर्म से संबंधित है, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो आप? अभी मैं आपको बताता हूं, अभी एक जनाब कुछ ज्यादा ही शोर बचा रहे थे, रूबिका लियाकत जी से बात कर रहे थे एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में, सैयद वसीम वकार AIMIM। आप कह रहे हो जी मर्दों की सत्ता ले जाओ, बता भाई क्या क्या चाहता है? मैं कह तो रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं ना तेरे से, मर्द हैं, बता क्या बात कर रहे हो? घर में घुस के मारे तेरे को, बता क्या चाहता है? तुझे तेरे घर वालों के सामने कितने पीस में रखवा दूं? मैं सैयद वसीम वकार से बात कर रहा हूँ, AIMIM भाई। ये तो आप चैलेंज दे रहे हो ना, पहले आप मर्दों की सरकार लेके आओ, बात कर तो रहा हूँ। उधर छोड़ना यार, रूही का लियाकत जी के शो के, उन्होंने जो आपको जवाब दिया वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया, मैं नहीं बोलता जी, हमने भी तो सुना। आप जो जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, मगर हाँ यार, ये तो कूटो फिर और क्या। मैंने कहा ना आपको, मुसलमान जोश ईसाइयों की मौत आती है ना, तो ये हिंदुओं को ललकारते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, रूबिका लियाकत जी के शो में कुछ जनाब आए, राजीव जेटली बीजेपी, ठीक है, सलमान निजामी मुस्लिम ब्रदरहुड से, और विनोद बंसल, अवनिजेश अवस्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सैयद वसीम वकार AIMIM, गुरदीप सप्पल कांग्रेस, SP वैद्य फॉर्मर DGP J&K, अभी उनको पैक कराया हमने, SP वैद्य को, ठीक है। राजीव जेटली जी ने एक सवाल पूछा था मेरे दिमाग से, जब काफी देर से पढ़ रहा था मैं, आप कौन से वाले जेटली हो साहब? जेटली ये चाइना में जो पिक्चरों में आता वो वाली कास्ट है क्या आपकी? हैं? सऊदी अरेबिया में व्यक्ति जाएगा तो भारतीय मुसलमान लिखेगा या मुसलमान भारतीय लिखेगा? ये
आपको पता है भारत के अंदर नौकरी के लिए जब फार्म भरते हैं, सरकारी फार्म या वीजा अप्लाई करते हैं, उसमें रिलीजन बताना पड़ता है। चाहे किसी भी देश के लिए वीजा अप्लाई करो, आप रिलीजन बताना पड़ता है। मालूम है आपको, मालूम है आपको। और काबा में हिंदू अलाउड नहीं है। भारत के मुसलमानों को काबा में जो है ना, सऊदी के जो, हाँ, जो अपने आप को किंग और सुल्तान कहते हैं, उनके भी कारनामे सुनाता हूँ ना आपको अभी। ये तो जितने भी है ना, आप लोगों को निम्न दर्जे का मुसलमान समझते हैं, निम्न दर्जा। कोई 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 वैल्यू नहीं है आप लोगों की। अब सलमान निजामी साहब, आपने न्यूज पढ़ी 2010 की विकिपीडिया पे? नहीं पढ़ी? अभी 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 सबको पढ़ के सुनाता हूँ। पैगंबर साहब की, यहाँ ओवैसी साहब जो है इस बात से परेशान हो रहे हैं कि उन्हें संवैधानिक अधिकार चाहिए। भाई साहब, मुसलमान कभी कुरान के अनुसार अधिकार मांगता है, शरीयत, कभी संविधान के अनुसार। आप लोग भटक गए हो, मुसलमान भटक गया है, जानते हो क्यों? लालच। समझ भाई, भाई साहब, वो काशी विश्वनाथ है, वहां क्या कर रहे हो जाकर के? धरती पे मुसलमानों को एक ही जगह जाना अलाउड है, वो है काबा। अब वहां भी जाके क्या करोगे? पैगंबर साहब की तो कब्र तोड़ दी और खोद दी। अब बचा क्या इनके पास? कुछ बचा? भाई साहब, 25 से ज्यादा साइटें तोड़ी गई है 2010 और 2013 में, 2012 में। एक को तो डायनामाइट से उड़ा दिया गया सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ मीनारों पर चढ़ चढ़ के जो है अजान लगाते रहते हो। आपको कुछ नहीं, बस दंगे फसाद आता है पैसे के लालच में। बस कहीं ना कहीं से किसी ने पैसे दे दिए, पैसे लेके निकल गए और पैसे के लालच में दंगे फसाद कर दिया। कोई नए पुलिस वाले का जो है, क्या कहते हैं, तबादला हो रहा होगा या किसी का ट्रांसफर का होगा, अभी करा देते हैं, फिर कोई नया पुलिस वाला आएगा, कोई नया किसी नेता को कवरिंग फायर देनी होगी। हिंदुओं पे हमला होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, मुसलमानों पे हमला होगा तो कांग्रेस को। न्यूज में अगर मुसलमान मरे हुए दिखेंगे तो कांग्रेस में जो है राहुल गांधी दौड़ेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा था ना, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है, क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों का। अच्छा जी, अब विनोद बंसल जी का देखिए क्या कहना है। भारत में अगर ज्यूइश प्रधानमंत्री आ गया तो क्या हो गया? तो क्या बात हो गई, एक बात। दूसरी बात, डिमोनेटाइज, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता का कहना है विनोद बंसल, कि भारत में अगर ज्यूइश प्रधानमंत्री आ गया, मेरे से भी सवाल पूछा इन्होंने विनोद बंसल जी ने, तो क्या हो गया, तो क्या बात हो गई? डिमोनेटाइजेशन किया तो इसमें अगर भारत का गोल्ड चला गया तो इसमें बीजेपी
या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की क्या गलती है? अच्छा जी, विनोद बंसल जी यहीं नहीं रुके, देखिए इनकी मूर्खता की चरम, उनका इनकी मूर्खता का जो चरम है देखिए कहाँ पे है। बराक हुसैन ओबामा जी को मारने के ऑर्डर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? भारत का प्रधानमंत्री है वो, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, ये बड़ी बात हो गई बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर देने से। डिमोनेटाइजेशन करने से जो भारत का गोल्ड गया ना, समझ में आ गई, उससे भारत की देनदारी जो है ना लगभग 30 ट्रिलियन की है, बस इतनी बड़ी बात हो गई। और 73,000 बिलियन $73,000 की जो विश्व की देनदारी है वो अलग है, बस इतनी बड़ी बात हो गई। और भारत का प्रधानमंत्री अगर ज्यूइश है तो कौन सी बड़ी बात हो गई साहब? ये सनातन धर्मियों का देश है, समझ में आ गई, बस इतनी सी बड़ी बात हो गई कि छद्म रूप से भारत के अंदर वो आतंकवाद बढ़ा रहा है, बस इतनी सी बड़ी बात हो गई। भारत में ISIS को बढ़ावा देने वाला और भारत को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की सोच रखने वाला व्यक्ति जिसके पास रोड साइड बॉम्बिंग कोड है वो भारत का प्रधानमंत्री है, बस इतनी बड़ी बात हो गई। और आज विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को IB ने पूछताछ के लिए बुला लिया, बस इतनी सी बड़ी बात हो गई। रूबिका लियाकत जी के शो में सैयद वसीम वकार कहता है कि पहले मर्दों की सरकार तो लेके आओ। बता दे भाई क्या चाहता है, उठा लो उसके घर की सारी वसीम वकार के मर्दों को ललकारेगा तो देख ले। अबे हम तो इतने बिगड़े हुए हैं ना। समझ गया, तुझे अब पता लगेगा कितने बिगड़े हुए हैं। ये मर्दों की सरकार लेके आओ, क्या करवाना क्या है? AIMIM वाले क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हो वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब, क्या करवाना चाहते हो? क्या मुसलमानों में जनसंख्या कम हो रही है क्या? हाँ मैं हूँ, और क्या, जिंदा हूँ फर्स्ट क्लास। चाय पीजिए। SP वैद्य को इंटरपोल ने अरेस्ट ले लिया है। जी हाँ, जानते हो क्यों? मेरी जासूसी करवाने के आरोप में। और कश्मीर में ब्रूटल मर्डर और रेप, बस इतनी सी बड़ी बात हो गई, हमने उनको अरेस्ट ले लिया। और बहुत बहुत बधाई आप सभी को, मैं अब जम्मू कश्मीर का IIG हूँ, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल, और POK का इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल, बस इतनी सी बड़ी बात होती। अब किस किस को नौकरी नहीं करनी है वो अपना नाम जो है ना खुद ही लिख देना वहां पे कि साहब हमें तो नहीं करनी। शुरुआत SP वैद्य से कर रहे हैं।
ढूंढो इसका पूरा नेटवर्क। तेजो माल्या में दावा ठोकने पहुंचने वाले ये भूल जाते हैं और ताजमहल में मुसलमानों का दावा ठोकने वाले ये भूल जाते हैं कि भाई साहब वो प्रॉपर्टी सूट दाखिल कर रहे हो आप, टाइटल सूट। ओवैसी साहब, टाइटल सूट समझते हो? टाइटल टाइटल ये है किसका? आप तो रिलीजियस सूट फाइल कर रहे हो ना, ये किस धर्म से संबंधित है? टाइटल सूट कैसे हो जाएगा ये? आप कह रहे हो मुसलमानों का है, मुसलमान सर टाइटल नहीं होता ना, होता है टाइटल। रिलीजन है सर मुसलमान, टाइटल पता है क्या होता है? कास्ट। और मुसलमानों में कास्ट नहीं होती तो मुसलमान टाइटल सूट कैसे फाइल करेंगे? और तेजो माल्या सर रिलीजियस तो भी टाइटल सूट नहीं है। और अगर किसी ने दोबारा प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया तो भाई उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रख देना पहले, वरना अदालत के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। क्योंकि मैं ICJ भी हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज 645। मान ली बात आपकी कि आप ताजमहल पे दावा ठोक रहे हो अपना, मान ली बात। मान ली बात आपकी तो साहब उसकी वैल्यू तो दो भाई, प्रॉपर्टी की वैल्यू का उसका स्टैंप पेपर तो लगेगा ना। कौन दावा ठोक रहा है? बेकार पड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं। वो जो मेंटेन कर रहा है भाई उसको मेंटेनेंस चार्ज दे देंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। भाई कितने समय से मेंटेन कर रहे हो आप, ले लो जी आप अपना पैसा। मैं हूँ चा हितेश, चांद हितेश भी कहते हैं मुझे, चक्र हितेश भी कहते हैं। ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। और ये चा अक्षर मेरा अंगूठे पे है। और ताजमहल के ऊपर ना ध्यान से देखना, चांद लगा हुआ है, चांद पीतल का। मेरी जगह है वो। कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग मुझे भी तो पता लगे, मैं भी तो सुनूं। सऊदी अरब के अंदर ओवैसी साहब मैंने आपको चैलेंज किया हुआ है, आप मेरी झूठ खबर को झूठा साबित कर दो तो जानूं। बैरिस्टर साहब हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। मान ली बात आप हो गए रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में, क्या करूं? वही काम करो ना जो एजेंसी ने बताया है ना। एजेंसी वाले दंगे फसाद नहीं करवाते, बल्कि दंगे फसाद रोकते हैं। विकिपीडिया पर साफ लिखा हुआ है, सुनो भैया, रूबिका लियाकत के पैनलिस्टों, द डेस्टिनेशन ऑफ हेरिटेज साइट destruction of heritage site associated with the early Islam is an ongoing phenomenon that has occurred mainly in the Hejaz region of western Saudi Arabia, particularly around the two holiest cities of Islam, Mecca and Medina. Rubika Liaqat ji, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन की गई है ना सऊदी अरेबिया में, ये वेस्टर्न सऊदी अरेबिया में की गई है और खास करके उन जगहों पे की गई है जो कि इस्लाम की पवित्र शहर है। इस्लाम के पवित्र शहर है मक्का और मदीना में।
ठीक है, और ये एक अद्भुत घटना है, फिनोमेना है, द डिनोमिनेशन हैज फोकस्ड ऑन मॉस्क बरियल साइट एंड हिस्टोरिकल लोकेशन एसोसिएटेड विद द इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद। ये जो डिमोलिशन की गई ना, ये उन्हीं जगहों पे की गई जो कि इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद, जी हाँ प्रॉफेट मोहम्मद के दफनाने की जगह, उनकी मस्जिद, उनके घर और उनके ऐतिहासिक जगहों से संबंधित है। ये डिमोलिशन वहाँ की गई है, ध्यान से सुनिएगा, साफ लिखा है, उनकी मॉस्क और उनकी दफनाने की जगह बरेल साइड एसोसिएटेड विद द इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद, इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद से जिनका संबंध है, एंड हैज कंपेनियन एंड मैनी ऑफ द फाउंडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री। मतलब साथ ही उनके साथ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री से भी रिलेटेड और उनके साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब के साथियों के से संबंधित ऐतिहासिक जगहों को भी धराशायी कर दिया गया बाय सऊदी गवर्नमेंट। जी हाँ, विकिपीडिया पे है। कब किया गया ये भी बताता हूँ आपको। रूबिका लियाकत जी, बड़ा अच्छा लगता है जब धर्म की बहस करते हो, तो ये भी तो ये कौन दिखाएगा, इसको दिखाने की जिम्मेवारी किसकी है। एज द एनुअल हज कंटिन्यूज टू ड्रॉ लार्जर क्राउड ईयर आफ्टर ईयर, द सऊदी अथॉरिटीज डीम्ड इट नेसेसरी टू रेज द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉर्मली रेजिडेंशियल एरियाज अराउंड द टू इम्पॉर्टेंट मॉस्क टू मेक वे फॉर पिलग्रिमेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2010। इट वॉज फॉरकास्ट दैट डेवलपर्स वर गोइंग टू स्पेंड एन एस्टिमेटेड $13 billion ऑन द लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन द सिटी हिस्ट्री। समझ में आई? मतलब यात्रियों के बढ़ने की वजह से उनके रास्ते में आने वाली दो सबसे बड़ी मस्जिदों को गिरा दिया गया और उस पवित्र शहर की इतिहास में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जी हाँ, को लेके 13 billion US dollar की इन्वेस्टमेंट का एक अंदाजा लगाया गया। दो सबसे बड़ी मस्जिद गिरा दी गई। अब सुनिए कौन कौन सी गिराई गई है, तो वहाँ 25 से ज़्यादा बताए गए, मैंने सारे नहीं लिखे। देखिए, द मॉस्क ऑफ एट मिना रतेना, अरबिक वर्ड है, देख लेना क्या है अपने आप, ठीक है। इसके बाद बड़ी मज़ेदारी चीज़ है इसमें, मॉस्क एंड टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल उरैदी इब्ने जफर अल सऊदिया, सुनिए ध्यान से रूबिका लियाकत जी, डिस्ट्रॉयड बाय डायनामाइट ऑन अगस्त 13, 2002। 13 अगस्त 2002 को सैयद इमाम अल उरैदी की मस्जिद और टॉम्ब को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। फोर मॉस्क एट साइट ऑफ बैटल ऑफ द ट्रेंच मदीना, 4 मस्जिदें बैटल ऑफ ट्रेंच मदीना के पास गिरा दी गई। द मॉस्क ऑफ अबू राशिद गिरा दी गई। सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना राज एट अलास, ठीक है, गिरा दी गई। राज अल अश शाम, अल शाम होता है ना, अल शाम ग्रुप जो है, उनकी भी मस्जिद है, वो भी गिरा दी गई इन मदीना।
ये देखो सबसे मजेदार चीज क्या लिखी गई है, अ हिल्टन होटल स्टैंड्स ऑन द साइड ऑफ हाउस ऑफ इस्लाम्स फर्स्ट खलीफा अबू बकर। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के घर को गिरा कर वहां हिल्टन होटल बनाया गया। काबा के अंदर और मदीना में इनकी सारी ऐतिहासिक साइटें गिरा दी गई सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। आपके पास अगर आप किसी ग्रुप से हो, डॉक्यूमेंट हैं, आप प्रॉपर्टी सूट फाइल कर रहे हो, मालिकाना हक का फाइल कर रहे हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, चाहे तुम्हारा दारुल उलूम देवबंदी हो, चाहे तुम्हारा हज कमेटी हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं ये जामा मस्जिद वाले हो, कोई हो, मैं जिस दिन चाहूंगा शाही इमाम बुखारी से जामा मस्जिद का पेपर मांग लूंगा, वरना खाली करा लूंगा इससे। समझ में आ गई? अरे भैया वो ताजमहल जो है दूधिया सफेद दूध की तरह, चांद की तरह सफेद है वो घर है मेरा, मैं युगों युगों से वही ऐसी जगहों पे ही रहता आया हूं। आज का है ताजमहल, उसी को लेकर तो लड़ाई है 1500 वर्षों से। पहले पैगंबर मोहम्मद सब आते रहे, वहां तक नहीं पहुंचे, ने फिर मार खाते हैं ये। अगर भारत के अंदर ये मुसलमान अपने अधिकारों की बात करते हैं तो जनाब मुझे ये तो बताओ, आप लोगों को हम कैसे कैसे किसी बात पे आपको हम आगे बढ़ने दें? आपका तो पैगंबर साहब की मस्जिद गिरा दी गई, उनकी कब्र तक खत्म कर दी गई। सऊदी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से पता कर लो ना, सऊदी पुलिस से पूछ लो, इस्लाम खत्म हो चुका है। ओवैसी साहब और मोदी और विनोद बंसल तुम्हारे जैसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले, और जब डेवलपमेंट की बात आए तो भारत की जनता को आप लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने से दंगे फसाद और ऐसी फालतू उल जुलूल मामलों में फंसा देते हो। हाँ मैंने कहा इनको, बताओ हम भी तो सुने भाई, वो आ का दावा ठोकने वाले ताजमहल का
कोई एक चीज ऐसी संबंधित हो जो उनसे संबंधित है। मैं दिखा रहा हूं ना, चा चा से चांद, दूध की तरह सफेद है, चांदनी रात में देखने में अच्छा लगता है, समझ में आई? बताओ। असदुद्दीन अवैसी साहब, ये है 10 का सिक्का, हूं 10, और ये रखा हमने सिक्का, सिक्का हमारा चलेगा। रच लिखा, रच रा 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 और चा, रच। ये है आईलो का कॉइन, मेरे से इन साइटों के लिए और भारत को बचाए रखने के लिए पैसा लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और किसी को नहीं है, और कोई विभाग नहीं ले सकता मेरा पैसा मुझसे। इनका अधिकार बनता है भाई, भारत को बचाए रखने की जिम्मेवारी इनकी है, और ये अपना काम बखूबी करते आए हैं। और किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। अगर भारत में, भारत की जनता जब डेवलपमेंट का हिसाब मांगने लग जाए इन नेताओं से, तो न्यूज रूम में जो है मुसलमान दौड़े दौड़े आ जाएंगे, क्योंकि इनको पंचर लगाना कसाई की दुकान, समझे? यही सब पसंद है। फिर 2-4-10 मुसलमान निकल आएंगे और वो पैसा लेकर के जो है क्या कहते हैं, लव जिहाद के लिए निकल जाएंगे, हिंदुओं की लड़कियां छेड़ेंगे। भारत में वर्षों से इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाए रखने का कार्य जिस साहस से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया है, चाहे भारत की कोई स्टैम्प हो, भारत के डॉक्यूमेंट्स हो, भारत का इतिहास हो, मेरे पैसे के लिए ये अधिकारी हैं और कोई नहीं है। ASI बोला था, पुलिस वाला ASI नहीं है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मेरा मोबाइल नंबर है 99104234405, और मकान नंबर है मेरा, घर का पता, घर एड्रेस फिलहाल, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 11-00074 इंडिया। समझ में आई? तारीख है 11 मई 2022, समय हो गया है 12:08 AM, नाम है मेरा हितेश, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1, JSR सिक्योरिटीज मैंने बनाई।
चाहे भारत की सरहद हो, चाहे भारत के अंदर किसी भी तरह का इतिहास हो, इन्होंने सुरक्षित रखा है। तुम कौन हो बे? तो रूबिका लियाकत जी, मुझे बहुत खुशी होगी जरा आप इन मुसलमानों को जो इस्लाम के बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रचारक बन रहे हैं, मोहम्मद साहब ने तो ऊंट की खाल पे लिख के भेज दिया कि जाओ इस्लाम का ऐलान करो, और उनके इन कपूतों ने और सबूतों ने जबूतों ने मोहम्मद साहब की जो है मजार भी तोड़ दी, मोहम्मद साहब की जो है क्या कहते हैं मस्जिद भी तोड़ दी, उनके घर भी तोड़ दिए। मतलब प्री इस्लामिक इतिहास ही खत्म कर दिया सऊदी से। ये वहाबीज हैं। अब समझे वहाबिज्म क्या है? मैं समझाता हूँ, वहाबिज्म कुछ नहीं है, पैसे के दम पे अय्याशी है, बस इतना समझ लो। ये वहाबीज हैं, ये कार्य वहाबीज ने किया है, और मैं बहुत साफ सीधे अक्षरों में कहता हूँ, द एक्ट वॉज डन इनसाइड द सऊदी अरेबिया इज बिकॉज ऑफ वहाबी टेररिज्म, वहाबी टेररिस्ट। ये वहाबीज हैं, समझ में आई? जब मैंने जेएसआर वर्ल्ड फोरम बना दी तो बना दी, असदुद्दीन अवैसी साहब अगर दोबारा ये मुसलमान दिख गए ना न्यूज चैनलों में, मुंह काला करवा दूंगा इनका। और आए यहाँ पे क्या कहते हैं भारत में मस्जिदों में बात करने के लिए। वैसा मुसलमान मुसलमान एक है, तो यहाँ का मुसलमान है सऊदी का मुसलमान एक क्यों नहीं है? फिर कैसे टूट गई वहां पे पैगंबर साहब की मस्जिद और उनकी दफनाने की जगह? जवाब तो देना होगा ना आपको। भारत में नोटबंदी करी मोदी ने, गोल्ड वैल्यू खत्म, कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटबंदी कर दी तो क्या हो गया? मान ली बात आपकी, कर दी, गोल्ड वैल्यू कौन देगा? मैंने तो इतनी सी बात पूछी है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आतंकवादियों का क्या करना है, ये आप समझो जी। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया और हुमायूं टॉम्ब और सफदरजंग टॉम्ब, हाँ वो पत्थर जो है अब उसमें मेरा नाम ऊपर आ जाएगा लिख के कि अब ये जो है इन्होंने रेस्टोरेशन करा के खरीद लिया, मैं रह रहा हूँ उसमें, जो पहले रहने वाला था गया, एएसआई ने संभाल के रखी साइट, मैंने पैसा दे दिया, इतने वर्षों से संभाल के रखते हुए आ रहे हैं। अगर वहां लिखा है कि ये 428 ईसा पूर्व है, तो वो इतिहास तब से संभाला गया है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, ये पैसा हम खर्च कर देंगे, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। और मैंने बताया इनको कि आप जो उसका फ्लोर है ना दोनों का, मार्बल फ्लोर लगेगा सर, फ्लोरिंग मार्बल की होती है, नहीं वो जो पत्थर लगा ना वो वैसे लग गया होगा, बाद में आप लोगों ने लगाया होगा रेस्टोरेशन में, क्योंकि जब जब हमले हुए नोच के ले जाते हैं ना इसमें से हीरे जवाहरात सब। एक मैं फोटो शेयर करूँगा, एक मॉडल की फोटो आई है, उसमें अंदर दिखाया गया है ग्लास वर्क वगैरह जो किया है। लाल किले में जब रेस्टोरेशन का काम चल रहा था मैं गया था देखने, वो धनुष से उस पर धागा बांध करके जो काटते हैं पत्थरों को, काटने का भी मेथड इनका वही होता, मशीनों से नहीं करते ये लोग। नहीं अब तो मशीनें जेट मशीनें आ गई हैं, अब तो उनसे जो है नाप करके करके फटाफट करते चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उसमें लिखा जाएगा इतिहास में कि अब ये मशीनों के द्वारा किया गया है।
एसआई वाले लिखेंगे इतिहास। भारत में इतिहास की किताबें छापने का अधिकार और इतिहास का वर्णन करने का अधिकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया जाता है। मैं प्रेजिडेंट 3760। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।